हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, जैसा कि आज का आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम बात करेंगे इंजर्ड फिश को हम कैसे ठीक कर सकते हैं जिस फिश के गाइस चोट लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था, आपकी भी दिखाता हूँ मेरी गाइस ये वाली जो आप फिश देख पा रहे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। इसके आप फिन्स देख पा रहे होंगे प्रॉपर नहीं है, वो एक्वेरियम के टॉय में फंस के इसके लग चुकी थी। और इसके जो आप ऊपर बॉडी पे ब्लैक पैचेस देख रहे हैं, इस जगह की भी इसकी स्किन बिल्कुल हट चुकी थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं गाइस आपको यही बताऊंगा कि मैंने इस फिश को किस तरीके से सही किया कि ये आसानी से और काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे से ठीक हो गई। और गाइज मैं सबसे आसान आपको तरीका बताऊंगा जो कि मैंने अप्लाई किया, मैंने विद इन अ वीक इसे क्योर किया था गाइज, और उसके बाद मैंने इसे इस टैंक में वापस रिलीज कर दिया था। तो सबसे पहला तरीका, जो सबसे पहला मेथड है गाइज, सेपरेट योर फिश फ्रॉम द टैंक, यानी कि अपनी फिश को आप उस टैंक से, कम्युनिटी टैंक से बिल्कुल अलग कर दीजिए। आपको उस फिश को बिल्कुल अलग रखना है, आप उसे बकेट में एयर पंप लगा कर भी रख सकते हैं। गाइज आप इस तरीके की एयर पंप लगाकर भी उसे बकेट में अलग डाल सकते हैं। उससे क्या होगा गाइज, जब किसी फिश के लग जाती है तो उसकी ब्लड की स्मेल से, उसकी स्मेल से और फिशेज उसके पीछा करती हैं, उसे पिंच करती हैं, और वो धीरे धीरे स्ट्रेस में आके घायल होके और भी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और बहुत बार फिशेज इसी वजह से मर भी जाती हैं। तो आप उसे एकदम सेपरेट कर दीजिए, आप बकेट में भी उसे डाल सकते हैं, टैंक है आपके पास तो टैंक में डाल दीजिए। और गाइज आपको उस टैंक का वाटर टेम्परेचर, जो आपको वाटर लेना है वो सेम इसी टैंक का लेना है, जिससे कि वाटर पैरामीटर्स और वाटर टेम्परेचर बदले नहीं। फिर आपको धीरे धीरे उस वाटर का टेम्परेचर 26 के अराउंड, गाइज 24 to 26 के अराउंड आपको रखना है, जिससे कि फिश को कोई भी दिक्कत ना हो, वो अच्छे से सूट रह सके। और जब आपने उस टैंक में उसे डाला है तो आपको वन टाइम की फीडिंग उसे नहीं देनी है, और अगले टाइम की गाइज फीडिंग जो आपको देनी है वो आपको देनी है बॉइल्ड पीज, यानी कि उबली हुई मटर। क्योंकि गाइज जब आपकी फिश इंजर्ड होती है तो उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि वो अंदर से उसका स्टमक एकदम साफ हो, जिससे कि वो बाहर से रिकवरी करने में उसे कोई भी दिक्कत ना हो। अगर उसका स्टमक साफ़ नहीं होगा, उसके स्टमक में वर्म्स वगैरह होंगे, तो वो बाहर से भी ठीक नहीं हो पाएगी और स्ट्रेस में आके वो मर जाएगी। तो आपको अलग टैंक में डाल के आप जनरल एड डाल सकते हैं गाइस, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनरल एड लिक्विड है, ये आपको गाइस 10 ड्रॉप डालनी है उस टाइम जिस टाइम आप फिश को ऐड करें, और वन टाइम की फीडिंग आपको नहीं देनी है। और फिर अगली टाइम की गाइस आपको फीडिंग में एक बॉइल्ड पीस देनी है, यानी कि उबली हुई मटर, जितना कि आपकी फिश 1-1.5 मिनट में आराम से खा ले, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं देनी है। उससे क्या होगा, उसके स्टमक एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर गाइज आपको उसकी रिकवरी रेट देखना है, वो कैसे रिकवर हो रही है, और आपको अराउंड डेली गाइज 10 to 20% वाटर चेंज करना है, और उस वाटर में थोड़ा सा एंटी क्लोरीन गाइज, जितना वाटर है उस हिसाब से, और अराउंड 7 to 10 ड्रॉप्स जनरल एड आपको गाइज डाल देना है, जिससे कि आपकी फिश काफ़ी जल्दी रिकवर होगी। और फिर जब फिश थोड़ी सी रिकवर होने लगे, जब तक आपकी फिश थोड़ी सी चल नहीं रही है, आपको उसे बॉइल्ड पीस ही देनी है। और गाइज आप कुकुम्बर भी दे सकते हैं, आप उसे लौकी तोरी इस टाइप की चीज़ें भी दे सकते हैं, लेकिन एकदम सॉफ्ट फूड दीजिए, और ऐसा फूड दीजिए जिससे कि उसके स्टमक साफ़ हो गए। गाइज उसके स्टमक साफ़ हो जाए तो आप उसे पैलेट्स पर ला सकते हैं, आप पैलेट्स में नॉर्मल कोई भी दे सकते हैं, मैं ऑप्टिमम फीड कराता हूँ। और गाइज जब मेरी फिश कोई भी बीमार होती है तो मैं उसे टेट्रा बिट्स देता हूँ, क्योंकि इन्हें उस टाइम पर ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उससे फिश काफ़ी जल्दी रिकवर होती है। अगर आप टेट्राबिट्स देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन टेट्राबिट्स गाइज आपको बहुत ही कम अमाउंट में आपको अपनी फिश को फीड करना चाहिए, क्योंकि अगर टेट्राबिट्स आप एकदम से देंगे अपनी फिश को तो वाटर तो आपका बहुत ही जल्दी गंदा होगा ही उस वो वाटर, और साथ ही में अगर आपकी फिश उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो दिक्कत होगी। इस वजह से आप वन टाइम टेट्राबिट्स दीजिए, वन टाइम नॉर्मल फीडिंग दीजिए, या फिर आप अपनी नॉर्मल इन पैलेट्स में आप टेट्राबिट्स मिला कर के दे सकते हैं, और साथ ही में आप उसे पीज भी देते रहिए बीच बीच में। आप टाइम, जैसे कि आप सिंगल टाइम या दिन में 2 बार
देते हैं उस हिसाब से आप अपनी फूड को, फिश के फूड को डिवाइड कर लीजिए, उससे आपकी फिश काफ़ी जल्दी रिकवर होगी। तो थैंक यू गाइज, और ये गाइज आपका 1 वीक में आपकी फिश रिकवर हो जाएगी, फिर आप वापस अपने टैंक में डाल सकते हैं उस फिश को और फिशेज के साथ। 1 to 2 वीक्स गाइज आपकी फिश की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।